हाय लिख के आप सेंड कर दीजिए कमेंट में कितने लोग जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, ज्योति बघेल आ चुके हैं, शुभम बना आ चुके हैं, उसके बाद में रंजना शर्मा जुड़ चुकी है, ऋतिक जुड़ चुके हैं। हाय लिख के आप एक बार सेंड कर दीजिए तो मुझे पता चल जाए सभी लोग। क्या आप देख पा रहे हैं? ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। फटाफट से हाय लिख के सेंड कर दीजिए आप। एक थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। हाँ, अभी हम लाइव है, हम देख पा रहे हैं। चलिए, रिप्लाई आना भी शुरू हो गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से मेरी तरफ से, और स्टार्ट करते हैं। कौन सा नियम सिद्धांत यह बताता है, करें स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का, कौन सा नियम या सिद्धांत ये बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर एक ऊपर की तरफ बल लगता है। ठीक है, वस्तु एक बल का अनुभव करती है और जो बल वस्तु के ऊपर लगता है वो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के जो भार है उसके बराबर होता है। ठीक है, ये नियम किसने दिया था? जल्दी से आप अपना आंसर बताइए कमेंट करके। क्या ये बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है या पास्कल का नियम है? ये नियम किसने दिया था आपको कमेंट करके बताना है। बताइए किसका नियम है ये किसने दिया था नियम? मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कमेंट आना शुरू हो चुकी है। सी बिल्कुल सही, सी वाला जो आंसर आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज ने ये बताया था कि अगर किसी वस्तु को आप किसी तरल में डुबाएं या द्रव में डुबाएं तो ये वस्तु क्या करेगी, इस द्रव को विस्थापित कर देगी यहाँ से। और आप देख रहे हैं जैसे कि ये वाला एक यहाँ पे एक भार था, इसको मैंने द्रव के अंदर डुबाया तो ये इसने क्या किया, इसके अंदर से पानी को विस्थापित कर दिया। इसके अंदर से कितना पानी बाहर निकला, तो इसमें से जो पानी है वो इतना बाहर निकला। अब आप देखेंगे जो पानी बाहर निकला है वो उसका जो वेट होगा वो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ से आप देख रहे हैं, जिसको हम ब्योन्सी फोर्स बोलते हैं या फिर इसे हम उछाल बोलते हैं, जो पानी देता है ना, तो इस बल के बराबर होगा ये पानी का भार। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था, जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। संजू जी ने सही उत्तर दिया है, काना जी, राधा जी, आरती, सभी ने सही उत्तर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए? लेट सपोज एक बर्तन है, इसके अंदर तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा है, पानी के अंदर जो बर्फ है वो तैर रही है। अब ये बर्फ का टुकड़ा इसके अंदर पूरी तरीके से पिघल जाए तो इसके पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा वो आपको बताना है। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, समान रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, क्या उसका सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। बताइए कमेंट करके, मैं रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के। बराबर होगा, बिल्कुल सही। तो जो लोग बोल रहे हैं बराबर होगा, काना जी राजा जी ने बोला, ठीक है बराबर होगा। और कौन बोल रहा है बराबर होगा? सी वाला जो आंसर, जो लोग सी वाला आंसर दे रहे हैं, अनूप जी सी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो है समान रहेगा यानी कि बराबर होगा। ठीक है, तो आप बर्फ का टुकड़ा अगर पानी में तैर रहा और पिघल भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बराबर ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। यदि बेरोमीटर की रीडिंग में अचानक से गिरावट आ जाए तो उस गिरावट का क्या तात्पर्य है? पहले तो आप ये बताइए कि बेरोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, भाई बेरोमीटर क्यों यूज़ करते हैं हम? तो मैं आपको बता देता हूँ, बेरोमीटर का जो उपयोग होता है वो हम क्या करते हैं, एयर प्रेशर को नापने के लिए करते हैं। मतलब किसी भी एक सर्टन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो एयर का प्रेशर रहता है, वायुमंडल का जो दाब रहता है, उसको नापने के लिए हम बेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आप बताइए अगर बेरोमीटर का जो आंकड़ा है वो एकदम से गिर जाए, मतलब कि उसकी जो रीडिंग है उसमें अचानक से गिरावट आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा? तूफान, तेज गर्मी, वर्षा या साफ मौसम, क्या इसका सही आंसर होगा? ये टिक पे मत जाइए, पहले का लगा हुआ है। बताइए अपने आंसर्स को कमेंट करके बताइए। अनूप जी बोल रहे हैं ए आंसर होगा, बाकी तूफान तूफान तूफान
अच्छा ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो फिर मान लेते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रॉम का संकेत है। अगर बेरोमीटर का जो रीडिंग है वो एकदम से गिर जाती है तो इसका मतलब है तूफान आने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे से सही आंसर कर पा रहे हैं, आई अप्रिशिएट दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? तो किसी भी, अगर मैं बात करूँ आइडियल फ्लूइड की, तो उसकी विस्कोसिटी कितनी होती है? अब आप मुझे ये भी बताइए विस्कोसिटी होता क्या है, कमेंट करके बताइए। किसी भी आदर्श द्रव की जो श्यानता यानी कि विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है बताइए, इसका आंसर बताइए। ए ए बिल्कुल सही है ऋतिक जी, ए आंसर सही है। नहीं, ए वाला आंसर सही नहीं है, ए वाला आंसर गलत है इसका। अगर आप फोर्थ वाला बोल रहे हैं तो फोर्थ वाले का ए आंसर गलत है, ए आंसर नहीं होगा यहाँ पे। आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा सी आएगा। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है उन सभी के आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी कौन कौन दे रहा है, अंजलि जी सूर्यवंशी सही आंसर दे रहे हैं सी। ठीक है, 9D ने सही आंसर नहीं दिया है, आप गलत बता रहे हैं, ए नहीं होगा, इक्वल टू इट्स मास नहीं होगा, जो विस्कोसिटी होगी वो जीरो होगी। ठीक है, विस्कोसिटी से आप क्या कर सकते हैं, उसकी आप वो पता लगा सकते हैं कि लिक्विड कितना थिक या थिन है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं विस्कोसिटी, आप ये भी बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा विस्कस होगा उतना ज़्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन होगा एक दूसरे जो सतह पे, जब फ्लूइड क्या करेगा ट्रैवल करेगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ अभी, ये गलत हो गया। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का बताइए, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया किसी भी तैरती हुई वस्तु पर अगर ऊपर की साइड कोई बल लग रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। श्यानता क्या होता है, श्यानता वही होता है, विस्कोसिटी ही श्यानता होता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बल को, ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया क्या कहते हैं इसके, इसे जर्क बोलेंगे, बोयांसी फोर्स बोलेंगे, या फिर अगर आर्कमिडिज बल बोलेंगे, या गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, आंसर बताइए फटाफट से। सी 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 वाला गलत है भाई, सी नहीं बोलेंगे। अगर आप सी बोल रहे हैं इसका तो ये सी वाला आंसर गलत है। जो जो इस प्रश्न का, पांचवें प्रश्न का सी आंसर दे रहे हैं वो गलत है। इस बल को क्या बोलते हैं, ये जो बल ऊपर की तरफ लग रहा है इस बल को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल को आर्कमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल है उसको आर्कमिडीज प्रिंसिपल बोलेंगे, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने पानी में डुबाया तो पानी उसके ऊपर जो बल लगाता है ऊपर की तरफ, है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको उत्प्लावक बल बोल सकते हैं हम, इसको उछाल भी कहा जा सकता है, उत्प्लावक बल बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे कहा जाता है बोयांसी फोर्स। क्या बोलते हैं? बोयांसी फोर्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। जिन जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, किन किन लोगों ने सही ऑप्शन दिया है। अनूप जी ने सही उत्तर दिया है, ऋतिक जी सही उत्तर दे रहे हैं, रुद्र जी सही उत्तर दे रहे हैं फिफ्थ का, शुभम बना सही उत्तर दे रहे हैं उछाल, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या आपसे बोल के रखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कह के रखा हुआ है कि जो साइकन होता है, स्पंजिला जो होता है, साइकन स्पंजिला और उसके बाद में यू स्पंजिया, या ये किस संघ के उदाहरण है, मतलब ये कौन से संघ के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो साइकन, उसके बाद में स्पंजिला, उसके बाद में यू स्पंजिया, ये कौन से किसके एग्जाम्पल है आपको बताना है। सिलेंट्रेटा के हैं, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस के हैं, टीनोफोरा के हैं, या पोरीफेरा संघ के उदाहरण है, किसके एग्जाम्पल है। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्वेश्चन, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा ये जो एग्जाम्पल है ये पोरीफेरा के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, पोरीफेरा संघ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पोरीफेरा संघ के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो पोरीफेरा होगा। तो जो जो डी ऑप्शन बता रहे हैं
वो बिल्कुल सही है। शुभम बना आपका बिल्कुल सही है, 9D का भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है कानाजी राधा जी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है जो आप बता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सेशन, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए, ठीक है, आपकी भी हेल्प हो जाएगी और लोग जुड़ेंगे। जितनी ज़्यादा कमेंट्स आएगी उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी। जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसे बताइए क्या इसका आंसर होगा। अगर बर्फ़, लेट सपोज़ यहाँ बर्फ़ है और ये बर्फ़ पानी के ऊपर ऐसे बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, तो इसका कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, कौन सा भाग पानी के ऊपर रहता है। चलिए अपना आंसर इसको बताइए फटाफट से कमेंट करके, इसका क्या सही आंसर होगा, ए 0.5, बी 0.3, सी 0.1 या डी 0.0, सॉरी डी वाला 1 ऑप्शन है, तो क्या इसका सही उत्तर होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। 7D, 7 का डी गलत है, 7 का डी जो आप बोल रहे हैं वो गलत है, 9D आपका, 7D गलत है, ठीक है, 7D नहीं होगा इसका आंसर। काना जी राधा जी, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन नहीं होगा। और कोई ऑप्शन, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो 0.1 होगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो 0.1, 0.1 का मतलब होता है 1/10, 1/10 मतलब 10वां हिस्सा जो होगा वो पानी के ऊपर होगा, ठीक है, 1/10, 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1। आपको परसेंटेज नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं मैथ्स की कि ये कैसे हमने फ्रैक्शन में इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे जो है 0.1 करेक्ट आंसर आएगा, गलत ना लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। शांता यानी कि होता है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी के बारे में इनमें से क्या गलत है। विस्कोसिटी मतलब अगर लिक्विड किसी सरफेस पर ट्रैवल कर रहा है तो उसके ऊपर क्या होता है, वो कितना उस पर अपोज में फोर्स लगेगा, मतलब जैसे फ्रिक्शन होता है ना, अगर आप देखें तो सॉलिड बॉडी में फ्रिक्शन होता है, ऐसे ही यहाँ पे विस्कोसिटी होता है लिक्विड के केस में। तो आप देखेंगे लिक्विड अगर ट्रैवल कर रहा है तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है चीज़ें, तो आपको ये बताना है, सिंपली सिर्फ ये याद रखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, शांता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, मतलब क्या गलत है, विस्कोसिटी के बारे में इनमें से क्या गलत है, ठीक है, कौन सा गलत होगा। गैसों की शांता द्रव से कम होती है, मतलब जो गैसेस होती है उनकी विस्कोसिटी लिक्विड से कम होगी। टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के साथ में गैसों की विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है। अगला देखेंगे, टेम्परेचर में वृद्धि के साथ में लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है। और लास्ट वाला दे रखा है, प्रेशर में इंक्रीमेंट के साथ में लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है। तो इनमें से क्या सही होगा, सॉरी क्या गलत होगा। सही तो 3 तो सही है, 1 गलत है, इनमें से गलत क्या है, ऑप्शन जल्दी से अपना कमेंट करके बताइए, क्या ऑप्शन होने वाला है। 9th का क्या आंसर आप दे रहे हैं, 9D स्माइल कर रहे हैं ऋतिक जी, क्या सही आंसर आप बताइए इसका। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, हमें बुलाया जा रहा है शायद, लेकिन उन्हें पता नहीं, लाइव चल रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, दबाव में वृद्धि के साथ द्रवों की शांता घटती है, मतलब कि प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड की विस्कोसिटी के साथ में प्रेशर का कोई फर्क इतना यहाँ पे पड़ेगा नहीं। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा आपका वो डी वाला होगा, ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल के रखा हुआ है, एस्टेरियस यानी कि तारा मीन, ठीक है, एस्टेरियस का मतलब क्या होता है, स्टार फिश इसे कहा जाता है। तो आप देखिए एस्टेरियस स्टार फिश, एकाइनस हो गया मतलब समुद्री आर्चिन जिसे कहा जाता है, समुद्री लिली, एंटीडोन, ये सभी किस संघ के एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। जल्दी से अपनी कॉमेंट करके आंसर्स बताइए, ये जो लिखा हुआ है ये किसके एग्जाम्पल है, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं अभी, किसके एग्जाम्पल है, नहीं तो आप टीप के बता देंगे, जल्दी से बताइए। अब तो देख लिया होगा आपने, इतनी देर में तो बहुत शातिर है आप लोग, देख लिया होगा
क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 9 का A 9 का A बिल्कुल सही है, इकाइनोडर्मेटा का ये सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो जो आप ए आंसर दे रहे हैं इकाइनोडर्मेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ी सी मैं स्पीड को अपनी बढ़ाता हूँ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, पानी का जो घनत्व होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। कल ही मैंने आपको बताया था, जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए फटाफट से, थोड़ा सा एनर्जी के साथ में, जल्दी फटाफट से आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पानी का घनत्व मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, विद दी एनर्जी कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है पानी का घनत्व मैक्सिमम। कल हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि पॉन्ड के ऊपर क्या होता है, एक सतह बन जाती है बर्फ की, वो भी इसी के कारण होता है कि क्योंकि पानी का घनत्व क्या होगा। आंसर सी वाला ऑप्शन जो जो लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अनूप जी सही है, 9D बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है पानी का घनत्व बिल्कुल अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। इसी कारण क्या होता है, आप देखेंगे ठंडियों के दिनों में या ठंडे प्रदेशों में तालाबों के ऊपर क्या होती है, बर्फ की चादर जम जाती है, और उसके बाद भी अंदर जो रहता है वो पानी रहता है और ऊपर बर्फ जम जाती है, है ना, जिसके कारण समुद्री जीव जंतु या फिर वो जो उसके सॉरी समुद्री नहीं जो वाटर बॉडी के अंदर जो भी जीव जंतु है वो रह सकते हैं आराम से, पानी जमता नहीं है क्योंकि। चलिए अगला देखते हैं, उर्वरकों के रूप में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र के लिए कौन से कैल्शियम सॉल्ट्स को हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ होगा एज अ फर्टिलाइज़र, क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोइड, क्या होगा इसमें से, सही आंसर बताइए क्या होता है, सही आंसर क्या होगा। आप अपने सही आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। कौन से होते हैं, तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो आना शुरू हो गया है, सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। कौन कौन दे रहा है भाई सही आंसर, देख लेते हैं जरा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैं आपको नाम ज़रूर बताऊंगा किन किन लोगों ने सही आंसर दिए हैं, तब तक के लिए हम लोग अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके सही आंसर आना शुरू हो गए, डी 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 वाला जो जो बोल रहे हैं वो गलत है, सी वाला ऑप्शन जिन जिन लोगों ने बोला है वो सही है, कैल्शियम सल्फेट सही है अल्टीमेटली, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 12th क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र तूतिया या फिर विट्रोल का तेल कहा जाता है, किसे सामान्यतः नाम, सूत्र नहीं है वो नाम है, माफ़ कीजिएगा, तो निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम जो होता है वो तूतिया या फिर विट्रोल का तेल होता है, आप मुझे आंसर बताइए, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें से क्या सही आंसर होगा कॉमेंट बॉक्स में करके बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आंसर्स आना शुरू हो गए, सी 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 एसिटिक अम्ल, जो जो एसिटिक अम्ल बोल रहे हैं वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, जो नाइट्रिक अम्ल बोल रहे हैं 9D आप बिल्कुल गलत हैं, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गलत आंसर है, ए वाला गलत आंसर है, फिर से ट्राई कीजिए। स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपने देखी होगी, उसमें बोलता है ना गलत घंटा फिर से गलत घंटा, ठीक है, तो यहाँ पे गलत आंसर है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सही आंसर होगा वो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी विट्रोल का तेल या फिर तूतिया जो है सामान्य नाम किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल गलत है मेरे दोस्त। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, अगला क्वेश्चन बोल रखा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित कर दो तो क्या बनेगा, बताओ, कॉपर सल्फेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा या फिर आपका बेकिंग सोडा बनेगा, क्या बनेगा जल्दी से बताइए फटाफट से, ये देखो यहाँ पर आंसर ही आ गया, कैसे आ गया ये, चलिए बताइए फटाफट से आप अपना ऑप्शन, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर्स का, आंसर्स आना शुरू हुए हैं या नहीं है, डी 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 जो पिछले का डी बोल रहे हैं वो सही था, सल्फ्यूरिक एसिड था ना उसका आंसर, हाँ तो वो उसका पिछले वाले का तो डी सही है, सल्फ्यूरिक एसिड जो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जिन जिन लोगों ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, ज्योति बघेल सही है, ये वाला बताइए आप, कैल्शियम कार्बोनेट आपने आंसर देख लिया, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, अगर नहीं देखा तो बहुत बढ़िया है, अगर आप बता रहे हैं तो
अदरवाइज देख लिया तो भी ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अब आप याद रखिएगा, तो जब भी क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लोरीन की जो ब्लीचिंग क्रिया होती है, ब्लीचिंग प्रोसेस ऑफ द क्लोरीन इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया, बताइए। ऑक्सीकरण, जल विश्लेषण, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपघटन, क्या होगा इसका सही आंसर, फटाफट से मुझे बताइए कॉमेंट करके। क्लोरीन का जो ब्लीचिंग क्रिया है वो किसका एग्जाम्पल है, क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वो कमेंट करके मुझे बताइए। बी, नहीं मैंने नहीं देखा था सर। ओके, अगर आपने नहीं देखा था और आंसर दिया तो दैट्स ग्रेट, वेरी फाइन। 90 और इट्स नो डी। ओके, जिसका सही उत्तर है वो रेडॉक्स नहीं है, जो रेडॉक्स दे रहे हैं वो मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल गलत हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, गुस्सा ना होइए है। ठीक है, जिसका सही उत्तर है वो है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडाइजेशन, अगर इंग्लिश में बोले तो ऑक्सीडाइजेशन। तो क्लोरीन की जो ब्लीचिंग क्रिया है इस अभिक्रिया का, ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीडाइजेशन का एग्जांपल है मेरे दोस्त। ठीक है, याद रखिएगा, आप भूलना नहीं, अब गलत दे दिया तो याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ से मैं कुछ और अच्छे अच्छे आपको बोलूँ कुछ वर्ड्स, ताकि आप अगली बार से याद रखें। अच्छे मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मतलब आपकी तारीफ की जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, आप सही दे रहे हैं आंसर, गलत दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप आंसर दे रहे हैं ये मैटर करता है। और जब आप गलत भी देते हैं तो जब सही बताएंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, और सही देंगे तो याद रहेगा ही सही कि हमने सही दिया है, डोंट बी वरी अबाउट दैट। चलिए फिफ्टींथ क्वेश्चन अगर देखें तो 15th क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बार पूछे जाएगा, ये घिसा पिटा क्वेश्चन एक ही बार पूछे जा रहा है, कल के वीडियो में भी रिपीट 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 रिपीट। तो चलिए बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होगा NaHCO3, किसका एग्जांपल है ये, कल हमने बात की थी, जल्दी से अपना आंसर बताइए। नहीं नहीं, ओके, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। चलिए इसका आंसर बताइए, 15, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्या आंसर होंगे इसके, जल्दी से बताइए। बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, प्लास्टर, उड़न राख, या फिर और कुछ, समोसा कचौरी, क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है बेकिंग सोडा, बिल्कुल जो ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, अनूप जी बिल्कुल सही आंसर है ए। ठीक है, और बाकी सब भी सही है, जय जी भी सही आंसर दे रहे हैं, शुभम बना, सोनू टिकम, बेकिंग सोडा, दैट इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से, अगर अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, आ गया, प्रकट हो गया ये। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये है ना प्रॉब्लम, पता नहीं क्या हो रही है, मैं अब जो ये स्लाइड्स बन रही है जहाँ पे मैं बोलूँगा आपके आंसर्स ना दिए जाएं, इसके अंदर बार बार आंसर्स आ रहे हैं, मुझे भी शायद आज मैं देखने तो लगा था, पहले मैंने पूरा इसको सर्च किया था लेकिन तब मुझे इस पर ध्यान नहीं गया कि आंसर्स लिखे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं, तो चलिए फिर भी आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक जो होता है वो क्या कहलाता है। ए, क्या कहलाता है, मैं आंसर्स का वेट कर रहा हूँ आप लोगों के। ए ए ए ए, कंडरा, कंडरा कहलाता है, कंडरा, टेंडन, टेंडन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ए जो आप बोल रहे हैं कंडरा, ये बिल्कुल सही है, इसे इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है। तो ये जो टेंडन है आप ये देख सकते हैं, ये टेंडन है, ये क्या कर रहा है, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ रहा है। तो आप ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हैं, तो हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला जो ऊतक रहता है संयोजी उसे टेंडन कहा जाता है, यानी कि कंडरा कहा जाता है हिंदी में। अगर मैं वो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक या टिश्यू की बात करें तो उसकी कल हमने बात की थी, उसे स्नायु कहा जाता है, स्नायु का इंग्लिश नाम होगा लिगामेंट। ठीक है, ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, कल हमने आपको बताया था, और आज ये हड्डी से मांसपेशी वाला, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है, इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। टेल मी द आंसर्स ऑफ योर्स। क्या आंसर होगा? वसामय ऊतक, क्या इसका सही आंसर होगा? संहत अस्थि होगा, हृदय मांसपेशी होगा, या एरियोलर ऊतक होगा? व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दैट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक नहीं है? जल्दी से फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 पे खतरा, क्या होगा इसका सही उत्तर? चलो, लिगामेंट आप बोल रहे हैं ऋतिक, बिल्कुल सही है। ज्योति बघेल, सी सी सी, हृदय मांसपेशी, दैट इज़ वेरी करेक्ट। जो हृदय मांसपेशी है वो एक संयोजी ऊतक नहीं होता, तो ये आप जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए हमारी स्क्रीन पे, ये रहा। ओहो, इतना बड़ा क्वेश्चन, चलिए ठीक है। प्राणी में जैसे एनिलेडा, मोलास्का के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। तो ये जो प्राणी के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे संग एनिलेडा के या फिर मोलास्का के, इनके अंग मिलकर एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। प्रत्येक तंत्र का एक विशिष्ट कार्य होता है, जैसे हृदय है तो उसका ब्लड ट्रांसफर करने का काम होता है ना, आपकी और दूसरे मसल से तो उनका अलग काम होता है, किडनी है तो उसको फिल्टर करने का काम होता है, तो ऐसे हर एक अंग का एक अलग काम होता है। इस तरह की संरचना फिल इन द ब्लैंक्स के स्तर का संगठन कहा जाता है। इस तरह की संरचना को किसके स्तर का संगठन कहा जाता है? क्या होगा संरचना का इसका? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है क्या आएगा। अंग तंत्र होगा, ओपन आएगा, खुले स्तर का आएगा, बंद स्तर का होगा, प्रगुहा स्तर का होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? What will be the right answer for that? What is the right answer? I am waiting for that. क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए कमेंट करके। नितिन सोलंकी, हाय हाय, हाउ आर यू? सोनू टिकम, ए अंग तंत्र, बिल्कुल सही है। जो लोग ए आंसर दे रहे हैं, अनूप जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, जो आंसर वन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो है अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, छोटी छोटी जो सेल होती है, सेम टाइप की सेल, एक जैसी जो सेल होती है वो आपस में कंबाइन हो जाती है, और छोटी छोटी जो एक जैसी सेल होती है वो आपस में मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। अब ये एक जैसे जो टिश्यू रहते हैं, ये टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से बनती है बॉडी, चाहे वो ह्यूमन की हो चाहे वो एनिमल की हो, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेम टाइप्स ऑफ सेल का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाता है, तो आप बोलेंगे टिश्यू बनाता है। सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाता है, तो हम बोलेंगे ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, तो हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, तो ह्यूमन बॉडी बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो, वही आ गया। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया, अब बताइए फटाफट इसको क्या बोलेंगे। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को, मतलब कि एक स्पेसिफिक वर्क करने वाली सेम सेल्स के ग्रुप को, अगर ग्रुप बन जाए तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए। टिश्यू होगा, अंग होगा, अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम होगा, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय संगठन होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दैट? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आई एम वॉचिंग टू योर कॉमेंट। क्या होगा सही आंसर बताइए? टिश्यू होगा, अंग होगा, अंग तंत्र होगा, कोशिकीय संगठन होगा, अभी हाल मैंने आपको बताया। ए ए ए ए, वेरी गुड, जो ए बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जय जी, शुभम बना, प्रिया, ए सही है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। सोनू ए, वर्षा ए, ज्योति बघेल, ज्योति बघेल डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, आप गलत बता रही हैं, ए सही है, ठीक है। अंजलि सूर्यवंशी, ए, शुभम बना, ठीक है। सो ऊतक इसका सही आंसर है, टिश्यू इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन के साथ मुझे बहुत दुख होता है कि अब हमारा साथ यहीं तक होगा, इसके बाद हम अपने अपने काम में लग जाएंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे, मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊँगा, मैं भी पढ़ाई करता हूँ बहुत सारे टाइम, तो ठीक है। तो जितना हेल्प आपका बन सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। 20 अगर देखें तो प्लांट टिश्यू आर ऑफ
हाउ मेनी टाइप्स, प्लांट टिश्यू जो होते हैं पौधों में, जो ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बताइए कितने टाइप के प्लांट में टिश्यू होते हैं। अब आप अपने आंसर्स कमेंट करके बताइए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, या आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ऊतक, ऊतक, ऊतक तो पुराना वाला बिल्कुल सही है, 90, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज योर नेम 9D? आपने ये 9D क्यों लिख के रखा हुआ है, मतलब इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया लॉजिक। पता है कुछ ऐसे ऐसे नाम लिख के रखते हैं। आज मुझे दिन में एक फ़ोन आया और उसमें लिखा हुआ था पुलिस थाना, मतलब ऐसे ट्रू कॉलर पे लिखा हुआ था पुलिस थाना। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया पता चल रहा है कि कोई बंदा बोल रहा है, सर कोचिंग के लिए बात कर रही थी। मैंने कहा भाई ऐसा क्या है, ट्रू कॉलर पे ऐसे क्यों डाल के रखा है, तुम डरा क्यों रहे हो? ठीक है, डराने का क्या मकसद है तुम्हारा? मतलब एक ने लिख के रखा था SP ऑफिस, तो ये ऐसे ऐसे ट्रू कॉलर पे डाल के रखते हैं, मतलब बंदा बेचारा डर जाए कि यार मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो पुलिस पकड़ के ले जा रही है, पुलिस वाले का फोन क्यों आ गया, ऐसा लगता है ना एकदम अंदर से। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा, पौधों में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, पौधों में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। दो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हिंदी में लिख देता हूँ, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों का वर्क आपको याद रखना। जो जाइलम होता है ये पौधों में जल का ट्रांसफ़र करता है ना, लिक्विड जो जल रहता है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और ये भोज्य पदार्थों को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। भोज्य पदार्थ यानी कि जो फूड्स आइटम रहते हैं, फ्लोएम उनको करता है। तो जाइलम में आप देख रहे हैं जल आ रहा है, तो इसे याद रख सकते हैं कि वाटर ट्रांसफर करने का काम करेगा, और ये भोज्य पदार्थों को, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको दोनों बताया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है इसलिए बताया गया है। तो चलिए इसी के साथ ये हमारे आज के जो 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आप लोगों का साथ बहुत सही से मिला, आप लोगों ने सही से कमेंट किया, आज मुझे लगता है ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ हम कंडक्ट कर पाए। देखो कोई भी बात है ना, एक बार करने में उसको समय लगता है, जब अगली बार आप उस चीज़ को करेंगे तो आपको कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार आपने पढ़ लिया तो पहली बार पढ़ने में समय लगेगा, आप एक उसको फिर रिवाइज़ करो कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बिना रिवाइज़ करे एग्ज़ाम में जाने की गलती मत करना, नहीं तो क्या होगा, जितना आपने मेहनत की है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, एक मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट सपोज़ कि यहाँ पे आपके पास में एक नदी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बहुत बड़ा सा खेत है, भगवान करे इससे भी बड़ा आपका खेत बने आने वाले समय में, आप खुद खरीदें, भले ही खुद न खेती करें तो दूसरे से करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट सपोज़ यहाँ से एक नदी या नहर जा रही है ना, अब आप क्या चाहते हैं कि आपके खेत में पानी नहीं है, आप ये चाहते हैं कि यहाँ से मैं ऐसे करके एक नहर बना दूँ और खेत में पानी आ जाए। अब आपने क्या किया, नहर को बनाना स्टार्ट कर दिया, आप नहर बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए और यहाँ तक आप आ गए इस कॉर्नर तक, और यहाँ आके आप क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मैं कितनी मेहनत करे जा रहा हूँ, अब से करे जा रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा है। लेट सपोज मैं वीडियो डाले जा रहा हूँ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ जाके क्या फ्रस्ट्रेट हो गए और आपने काम करना बंद कर दिया। कुछ भी काम हो सकता है, दैट इज़ नॉट अबाउट द यूट्यूब, आपकी सक्सेस को लेकर ज़िंदगी में कुछ भी काम हो सकता है, अगर यहाँ पर जाके आपने रोक दिया ना तो ये जो आपने इतनी मेहनत कर दी है ये वेस्ट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जो इतना सा पार्ट बचा हुआ है इसको भी खोद के फाड़ो, और फिर यहाँ पे ये पानी इधर आएगा, और जब फसल होगी ना तो मज़ा आ जाएगा जीवन का। तो चलिए इसी थॉट के साथ में हम लोग आज की जो लेक्चर है पर्टिकुलर ये को इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप लोगों का जुड़ने के लिए मुझसे बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी की जो क्लासेस है आपको जैसे कि मैंने शेड्यूल कर दिए ऑलरेडी, तो जो जो शेड्यूल्ड है वो तो आप देखिए आपको पता चल जाएगा। मैथ्स की भी आगे जो है पॉलिनोमियल मैंने पढ़ा दिया, इसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वाला जो पार्ट है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कॉन्सेप्ट से वो भी मैं आपको करवा दूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे ही हम रोज रात 9 बजे साइंस की वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। जैसे ही हमारे 1500 MCQ का सीरीज़ ख़त्म होती है तो फिर हम लोग कुछ करंट अफेयर या इस तरह की कुछ चीज़ को लॉन्च करेंगे, पर हम ज़रूर मिलेंगे रात में 9 बजे डेली, ठीक है। तो आप लोगों की पढ़ाई चलती रहेगी और हम लोग मिल भी लिया करेंगे। तो चलिए मैं आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ।